ये शरीर समेत ही जाएंगे और उसके अंदर पड़ेंगे और वो पीड़ा होंगे, मगर ये शरीर और आत्मा नाश नहीं होगी, वहां पर नष्ट नहीं होंगे। अभी तो बहुत मजा आ रहा है, अभी तो हम बहुत आनंद ले रहे हैं, कोई भी बुराई कर रहे हैं, कुछ कहने वाला नहीं, कुछ नहीं, आप यहां से तो बच गए, परंतु परमेश्वर की अदालत से बच नहीं पाएंगे और वहां जो होगा उसके परिणाम आप भुगत भी नहीं पाएंगे, और मगर भुगतना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। हम बात करेंगे आज अधलोक अर्थात नरक में भयंकर पीड़ाएं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अरे मरने के बाद किसने देखा, कौन जानता है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं उनकी एक गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूं, क्योंकि धर्मशास्त्र में जो बातें लिखी हुई हैं वो पूरी हुई हैं, क्योंकि वो ईश्वरीय प्रकाश से या ईश्वरीय प्रकाशन के द्वारा लिखी गई हैं, जो परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा या अपना प्रकाशन उनको दिया है उसके द्वारा लिखी गई हैं, और सारी भेद की बातें जो हैं वो बताई गई हैं। दूसरी चीज, आज आप ये कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा, सही बात है। इस पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य रहते हैं, जीवित हैं, उनको अभी नहीं पता चलता, परंतु मरने के बाद उनको बहुत जल्दी पता चलेगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इस समय नहीं जानते हैं, परंतु धर्मशास्त्र जो कहते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है पवित्र शास्त्र क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट, आज मैं उन भयंकर पीड़ाओं के बारे में आपको बताऊंगा जो नरक के अंदर जब मनुष्य मर जाता है, जो पापी मनुष्य हैं और वो जब नरक में जाते हैं तो उनके साथ क्या क्या यातनाएं जो हैं उनको झेलनी पड़ सकती हैं, या किन यातनाओं के दौर से उन्हें गुजरना पड़ेगा। पहला, उनके पास शारीरिक ताकत बिल्कुल भी नहीं होगी। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको ये बात बता देना चाहता हूं, आज जो आप एक क्विंटल का वजन उठा लेते हैं, आपके पास इतनी भी ताकत नहीं होगी कि आप खुद उठकर खड़े हो जाएं। आपको या तो एक गेंद के समान फेंक दिया जाएगा, किसी दूसरी दीवार पे मार दिया जाएगा, या फुटबॉल के समान आपको एक किक ऐसी मारी जाएगी कि आप भयंकर तरीके से कहीं जाके गिर पड़ोगे या किसी दीवार के साथ टकराओगे। ऐसी चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता 88 और उसका 4 पद में क्या लिखा हुआ है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूं, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूं। किसके समान? देखिए वहां क्या लिखा, मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूं, मैं बलहीन पुरुष के समान। बलहीन पुरुष का मतलब जिसके पास कोई शक्ति या कोई ताकत नहीं है, एक ऐसे इंसान के समान। जी हाँ, जब नरक में इंसान जाएगा, कब्र में जाएगा, और वहां जब सामना होगा तो वो एक जिस मनुष्य के पास ताकत नहीं है, शारीरिक क्षमता नहीं है, उसके समान जो है वो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, नरक में एक सेकंड के लिए शांति नहीं होगी। जी हाँ, जब आप देख रहे होंगे ना कि कभी कदार आप सोचते हैं कि कहीं शांति हमें मिल जाए, कहीं शांति पाने के लिए आप एकांत में चले जाते हैं, कुछ अच्छी जगहों में चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, पार्कों में जाके इंसान बैठ जाते हैं कि कुछ क्षण भर के लिए उनको शांति का अनुभव हो। परंतु जब इंसान, जो इंसान नरक में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, नरक में जाने के लिए तैयार करने का मतलब जो पाप कर रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, दूसरों को सता रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं और विनाश का कारण बने हुए हैं, ये सब अधर्मी लोग, पापी लोग जो हैं वो नरक में जाएंगे और उनको किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिलेगी। यशया 57 अध्याय और उसका 20 और 21 पद, परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। देखिए यहां क्या लिखा है, समुद्र आपने देखा होगा कि उथल पुथल मस्ती रहती है, ऐसे ही जो इंसान, जो पापी इंसान नरक में जब जाएगा तो वो ऐसे ही उथल पुथल उसके जीवन में मस्ती रहेगी, शांति का अनुभव नहीं होगा। कभी वो नरक में गिर रहा है, कभी आग में गिर रहा है, तो कभी गड्ढे में गिर रहा है, कभी फिसलन वाले स्थानों में जा रहा है, कभी कहीं, मतलब बिल्कुल सुकून और शांति उसके जीवन में जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। ये परमेश्वर का वचन जो कहता है, वो जैसे समुन्द्र में उथल पुथल होती है ऐसे ही उसके जीवन में उथल पुथल जो है 24 घंटे रहेगी। तीसरा पॉइंट है, यहां पर
नरक में एक बूंद पानी नहीं होगा कि कीमत का एहसास भी होगा, एक बूंद पानी की कीमत का एहसास होगा वहां पर कि एक बूंद पानी जो है वह हमें मिल जाए। आज हम लोग क्या करते हैं, पानी की वैल्यू नहीं समझते हैं। किसी ने टंकी खोल रखी, बह रहा है पानी, बहता चला जा रहा है, और कहीं कहीं पर तो पीने का पानी भी नहीं है। और परमेश्वर का वचन जो होता है पहले ही भविष्यवाणी कर चुका है कि पानी की कीमत क्या होगी। देखिए एजिकेल के बारे में आप पढ़ेंगे, जब एजिकेल 4 अध्याय उसका 11वां पद पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, पानी भी तू माप कर पिया करना, अर्थात प्रतिदिन हीन का 1/6 अंश पीना और उसको समय समय पर पीना। अब यहां एजिकेल से क्या कह रहा परमेश्वर का वचन, क्यों कह रहा है कि तू पानी माप माप कर पीना और इतना जो है पीना और समय समय पर पीना, हर समय मत पीते रहना, क्योंकि वो पानी की वैल्यू समझा रहा है कि आने वाले समय में पानी का अकाल पड़ने वाला है, पानी जो है वो खत्म होने वाला है। आज मनुष्य इस नहीं समझ रहा है इस चीज को, और पानी की वैल्यू, आज आप चेन्नई चले जाइए या राजस्थान वगैरह में चले जाइए जहां पानी की बहुत सी कमी है, परमेश्वर का वचन बताता है आपको वहां वैल्यू समझ में आ जाएगी। जकरिया 9 अध्याय 11वें पद में क्या लिखा है, हम बात कर रहे हैं अधलोक की यानी नरक की बात कर रहे हैं, जकरिया 9:11, तू भी सुन क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उभार लिया। बिना जल के गड्ढे में से मतलब परमेश्वर कह रहा है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी गलतियों को मान लिया, उन्हें नरक से बचा लिया है, जो जहां जल की एक बूंद भी नहीं है, जहां पानी भी नहीं है बिल्कुल भी, और प्यास के मारे इंसान जो है वो तड़पता रहेगा। जब आप लूका 16 अध्याय उसका 24 पद पढ़ेंगे ना, और जब लूका 16:19 से ही आप पढ़ लीजिएगा, मगर मैं 24 पद की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, वहां पर लाजर और धनवान व्यक्ति जब मर गया, तो जब धनवान व्यक्ति जो है जब वो लाजर की तरफ देखता कि वो शांति के स्थान में है, तब वो अब्राहम से निवेदन करता है कि लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली का एक सिरा पानी में डुबो कर मेरी जीभ पे रख दे, क्योंकि मैं यहाँ पर ज्वाला से तड़प रहा हूँ। देखिए अब उंगली का एक सिरा, कोई भी उंगली का एक सिरा पानी में डुबोइए और उसको निकाल लीजिए, कितनी बूंदे आएंगी, 1-2 बूंद होगी। अब सोचिए कि एक बूंद की कीमत कितनी होगी वहां पर, क्योंकि वहां पानी जो है बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये परमेश्वर का वचन बता रहा है कि भयंकर पीड़ा। अब सोचिए आपको प्यास लगी है, प्यास के मारे तड़प रहे हैं और पानी की एक बूंद भी आपको नहीं मिल रही है, कैसा सा, मगर आप मरने के भी नहीं है वहां पर, फिर मरने के नहीं है कि आप सोचे कि मर जाएंगे बस खत्म, ना, इंसान जो है वहां पर फिर जीवन भर तक तड़पता रहेगा, मौत उसको फिर नहीं मिलने की है। फिर लिखा है चौथा पॉइंट बताने जा रहा हूं, दुष्टों के लिए भयंकर किस्म के फंदे होंगे, ध्यान दीजिएगा, दुष्टों के लिए। भजन संहिता 11:6 में लिखा है, वे दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। देखिए कितनी भयंकर बात है, यानी दुष्ट लोग हैं उनके कटोरों में क्या, आग गंधक और लहू जो है सड़ा हुआ बदबूदार लहू उनको पीने को दिया जाएगा, आग उनके ऊपर गिराई जाएगी, आग में डाले जाएंगे वो, एक भयंकर पीड़ा। सोचिए कि एक जरा सी भी अगर चिंगारी हमारे ऊपर गिर जाए, या जरा सा कोई बर्तन गर्म बर्तन अगर लग जाए, या मान लीजिए कड़ाके की धूप है, गर्मी, जून का महीना है, मई का महीना है, आप नंगे पैर अगर सड़क पे खड़े हो जाए जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो सोचिए कि आपके पैर जलने लगते हैं, आप ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते हैं। अब सोचिए उस नरक में जब जाएंगे, जब उस पीड़ा के स्थान में जाएंगे, उस भयंकर पीड़ा कितना भयंकर जो होगा जीवन होगा, कितना मुश्किल होगा वहां पर रहना, मगर आप वहां से निकल के आ नहीं सकते, यानी दुष्ट लोग जो हैं वो वहां से निकल के नहीं आ सकते। भजन संहिता 18:4-5 में क्या लिखा है, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया है, पताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। क्या पताल लोक यानी नरक लोक में इंसान जो है कहां है, मृत्यु की रस्सियों से घिरा हुआ, मृत्यु के फंदों से है, वो भाग नहीं सकता है, एक फंदे से बचेगा दूसरे फंदे में फंसेगा, दूसरे से बचेगा तीसरे फंदे में फंसेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे, यशायाह 24:17-18, हे पृथ्वी के रहने वालों और भय और गड्ढा और फंदा तुम्हारे लिए है, 18वां पद,
जो कोई भय के शब्द से भागे वे गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वे फंदे में फंसेगा, क्योंकि आकाश के झरोके खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल जाएंगे। ये अंत समय में पृथ्वी के ऊपर भी होगा, परंतु हम बात कर रहे हैं नरक में। आप किस चीज से भागेंगे? आग से भागेंगे, फंदे में फंसेंगे, फंदे से भागेंगे, गड्ढे में गिरेंगे, यानी कहीं से भी कोई बचाव, कोई जरा सी भी राहत जो है वो नहीं मिलेगी। 24 घंटे इंसान बसता बचने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा, अपने आप को वहां से निकालने, मगर निकाल के जाएगा कहां? वहां से आग से निकलेगा तो गड्ढे में गिरेगा, गड्ढे में से निकलेगा तो फंदे में फंसेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंदा जो है उसके चारों तरफ बना रहेगा और वो मुसीबत में जो है वो पड़ा रहेगा। परमेश्वर का वचन जो बताता है, पांचवा जो पॉइंट है, देखिए नरक के, नरक में जो भयंकर पीड़ाएं होंगी उसका पांचवा ही जो पीड़ा है क्या है? अंगारे और आग में डूबे रहेंगे। भजन संहिता 140 का 10 पद है, उन पर अंगारे डाले जाएंगे, वे आग में गिरा दिए जाएं और ऐसे गड्ढों में गिरें फिर वे उठ ना सकेंगे। जी हां, आग में डूबे रहेंगे। आप सोचिए, पूरी पूरी भयंकर आग में इंसान चल रहा है। आज अगर हम जल जाएं तो कितनी, आप सोचते होंगे कि वहां तो साहब कुछ होगा नहीं, ये शरीर समेत ही जाएंगे और उसके अंदर पड़ेंगे और वो पीड़ा होंगे, मगर ये शरीर और आत्मा नाश नहीं होगी, वहां पर नष्ट नहीं होंगे। अभी तो बहुत मजा आ रहा है, अभी तो हम बहुत आनंद ले रहे हैं, कोई भी बुराई कर रहे हैं, कुछ कहने वाला नहीं, कुछ नहीं। कभी कभार इंसान बहुत सी बुराइयां करता है, हमारी जो कोर्ट है वो भी जानते हैं, मगर बहुत से सबूत और उनके खिलाफ नहीं होते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिससे वो बच निकलते हैं। बहुत से लोग जो है असहाय हो जाते हैं कि इसको ये दंड मिलना चाहिए था परंतु नहीं मिला। परंतु बेफिक्र रहिए, आप यहां से तो बच गए परंतु परमेश्वर की अदालत से बच नहीं पाएंगे, और वहां जो होगा उसके परिणाम आप भुगत भी नहीं पाएंगे, और मगर भुगतना पड़ेगा, भुगतना जो है वो पड़ेगा। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कह रहा है। लूका 16:24 में क्या लिखा हुआ है? तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। यानी आग में तड़प रहा है, वो मर नहीं रहा, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आपने अधलोक वाले अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो अधलोक में मैंने आपको बताया था कि जब 12 किलोमीटर का जो गड्ढा था, उस गड्ढे को आपने देखा कि 12 किलोमीटर जो गड्ढा खोदा गया, सबसे गहरा गड्ढा जो खोदा गया, उसमें लोग जो हैं उनमें वहां लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। अगर आपने मेरा अधलोक का वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर ये बात जो है मेंशन की गई है, आप उसको पढ़ें। यानी वो लोग जो दूसरों को दुख देते थे, दूसरों को परेशानी में डालते थे, दूसरों बहुत प्रॉब्लम खड़ी करते थे उनके लिए, आज वो आग में पड़े हुए चीख रहे और चिल्ला रहे, उनको बचाने वाला कोई भी नहीं है। यहां जो इस तरीके से है, और प्रकाशित वाक्य 20:15 में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वे आग की झील में डाला गया। यानी आग की दरिया में, आग के कुंड में डाला गया, आग के समुन्द्र में डाला गया। वो जैसे आपने समुन्द्र, बहुत से लोग घूमने जाते होंगे, देखा होगा अथा पानी पानी है, पानी पानी है, दूर तक आपको कहीं आपको किनारा नहीं दिखाई देगा, पानी पानी दिखाई देगा यदि आप समुन्द्र के बीच। ऐसे ही जब उस आग के दरिया में होंगे, आग के समुन्द्र में होंगे, तो दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आएगा, आपको आग ही आग नजर आएगी। उसके अंदर इंसान पड़ा तड़प रहा, चीख रहा, चिल्ला रहा है, और अगर कोई गड्ढा खोदेगा उस समय है तो वो चीख और पुकार जो होगी हमारी भी, या जो लोग उसमें गए हैं उनकी भी सुनाई देगी। जो आज ये कहते हैं ना, अरे कल किसने देखा, मरने के बाद क्या होता है कौन जानता है, पता चल जाएगा जब उनकी चीख जो है दूसरे लोग सुनेंगे, गड्ढा जब खोदा जाएगा तब। फिर छठा पॉइंट है, 24 घंटे भयंकर घबराहट उन पर बनी रहेगी। यहां पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन कहता है कि 24 घंटे जो है उन पर घबराहट जो है बनी रहेगी। वहां लिखा है, मैं पूरे पूरे पद नहीं पढ़ रहा हूं, मगर मैं पॉइंट पढ़ रहा हूं उसके अंदर, मैं तुझे घबराने का कारण करूंगा और तू भविष्य में फिर ना रहेगा, वरन ढूंढने पर भी तेरा पता ना लगेगा। देखिए क्या लिखा है, घबराहट, यानी उनके जीवन में क्या होगी, घबराहट ही घबराहट होगी, और लोग वो फिर दिखने नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो होंगे कहां? क्योंकि वो नरक में होंगे, नरक की पीड़ाओं के बीच में घिरे होंगे, भयंकर पीड़ाएं, पीड़ाएं भी नहीं, पीड़ाओं, अगर मैं कहूं कि नरक की पीड़ाएं या नरक की पीड़ा,
तो वो बहुत कम होगा, नरक की भयंकर पीड़ाओं के बीच में गिरे होंगे, पता होगा, एहसास होगा। आपने देखा होगा कि जब आपने राजा शाऊल के बारे में सुना होगा, राजा शाऊल जो था, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो एक दुष्टात्मा जो थी परमेश्वर की ओर से उसके अंदर समा गई, और जब दुष्टात्मा उसके अंदर समा गई तो आप पहला सामुएल 16:14 पढ़ेंगे कि जब दुष्टात्मा उसमें समाई तो उससे घबराहट होने लगी, वो घबराने लगा। अब सोचिए, घबराहट उत्पन्न होने लगी और वो घबराने लगा, तो ये सिर्फ एक दुष्टात्मा का है, वहां तो भयंकर किस्म की दुष्टात्माएं होंगी और इतनी भयंकर किस्म की होंगी कि पीछा नहीं छोड़ा मिलेगा, तो सोचिए कितनी घबराहट होगी। हर पल जो है हमारा घबराहट में जो है वो बीतेगा। फिर लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 9:11 पद पढ़ रहा हूं, अथक उनका दूत उनका राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपलून है, अर्थात विनाशक, यानी विनाशक, वहां विनाश ही विनाश होगा, मगर आपका विनाश पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, विनाश की लीलाएं आपके साथ होंगी, विनाश की कीड़ाएं आपके साथ होंगी, परंतु आपका विनाश नहीं, आप विनाश का स्वाद चखेंगे भयंकर तरीके से, मगर वहां विनाश जो है वो नहीं हो पाएगा। सातवां पॉइंट जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां सांस लेना जो है मुश्किल हो जाएगी। देखिए, वहां सांस लेना क्यों मुश्किल हो जाएगी, अभी आप देखें, जब आप बहुत से लोग जो पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो उनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, मगर वहां सांस लेना क्यों मुश्किल हो जाएगी, मैं पढ़ना चाहूंगा यशाया 42:5 पद, परमेश्वर जो आकाश का सृजन वाला और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी पर फैलाने वाला है, उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वो यूं कहता है। ठीक है, परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों को बनाकर रखा, तो पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्यों को बनाकर रखा उनके लिए सांस है, पृथ्वी के अंदर यानी नरक में जाने वालों के लिए कोई सांस नहीं है, मगर वो सांस ऐसे लेंगे, मगर वो पूरी तरीके से ले नहीं पाएंगे, उनको पूरी सांस भी नहीं आएगी, क्योंकि वहां सड़ांद होगी, क्योंकि वहां सीलन होगी, क्योंकि वहां बदबू होगी, इतनी भयंकर बदबू होगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगी। अब सोचिए, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, सड़ांद है, बदबू है, इस तरीके से क्यों, क्योंकि सांस वहां तक पहुंचेगी नहीं। परमेश्वर ने सांस पृथ्वी के ऊपर रहने वालों के लिए बनाई है, उनको दी है, नरक में जाने वालों के लिए नहीं। और सोचे कैसा जीवन होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये नरक की पीड़ाओं का प्रथम भाग है, अभी खत्म नहीं हुई है पीड़ाएं, भयंकर और भी पीड़ाएं हैं। आप मेरे उस वीडियो का इंतजार कीजिए और आने वाले समय में आपको आने वाले वीडियो में और भी भयंकर बातें जो हैं वो आपके सामने आएंगी कि नरक में जाने पर कितनी भयंकर पीड़ाओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नरक में जाने से अच्छा है इस पृथ्वी के ऊपर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, अपने जीवन को बचाएं और जैसा परमेश्वर की इच्छा होती है उसके अनुसार जीवन पिए बिताएं, ताकि हम उन नरक की पीड़ाओं से बच जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे।